पाणी स्टोर में शिवा हराने वाला है कंपटीशन में देव को और एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाला है। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि जनार्दन मेरे ढोल नगारों के साथ में अनाउंसमेंट करते नजर आएगा कि अब देव और ऋषिता भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। खासकर ऋषिता को वो खड़ा कर देता है, अब किसी और के सामने नहीं शिवा के ही सामने कॉम्पिटिशन में उतार देता है। और दूसरी तरफ शिवा का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, उसका आइडिया सिलेक्शन हो जाता है कॉम्पिटिशन के लिए। और अब शिवा भी नेक्स्ट राउंड में जाने वाला है और इन्वेस्टर के सामने अपनी पिच यानी कि अपना आइडिया शेयर करने के लिए देखने को मिलेगा किस तरह से तैयारी करते नजर आएगा, अब देखने को मिलने वाला है। शिवा अपने आइडिया को किसी और में नहीं यहाँ पर पेपर्स में लेकर जाता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ऋषिता लैपटॉप का अपने धूस दिखाते नजर आएगी। और शिवा और ऋषिता दोनों ही एक साथ इस कॉम्पिटिशन में जाते हैं, जहाँ पर शिवा अपनी फाइल वगैरह लेकर जाता है और ऋषिता उसका मजाक बनाते नजर आएगी और कहेगी कि लो इतने मॉडर्न जमाने में भी तुम पेपर्स लेके ही घूम रहे हो, ये फर्स्ट इंप्रेशन में ही तुम तो बाहर हो जाओगे। तो वहीं देखने को मिलने वाला है कि ऋषिता का आइडिया तो बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन उसका लैपटॉप लास्ट मोमेंट पर खराब होते नजर आएगा और उसे धोखा दे देगा, जिसके बाद में उसकी टेक्नोलॉजी वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ऋषिता कुछ वक्त मांगती है और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करके लेकर आती है बाहर से। तो वहीं पर शिवा बहुत ही शानदार तरीके से पेपर्स के जरिए अपना ये आइडिया शेयर करता है और वहाँ पर उसके इन्वेस्टर से यही सवाल पूछने वाले हैं कि आखिर तुमने इस तरह से ये मॉडर्न जमाने में ऐसा क्यों। तो वो बता देता है कि आपके सामने ही तो लाइव एग्जांपल आपने देख ही लिया, टेक्नोलॉजी का भी धोखा दे सकती है लेकिन पेपर्स तो धोखा नहीं दे सकते, इसीलिए मैंने इसमें प्रिपरेशन करी है, दोनों ही तरह से तैयारी की है। जिसके बाद यहाँ पर शिवा अपना आइडिया शेयर करते नजर आएगा और यहाँ पर ऋषिता के जगह यहाँ पर मिलने वाला है ये जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी और को नहीं शिवा को, यानी ऋषिता ही कॉम्पिटिशन शिवा से हार जाने वाली है बुरी तरह से। और अब शिवा को बहुत ही बड़ा चेक के साथ में इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए उस आइडिया में तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर अब शिवा खुद यहाँ पर माल सप्लायर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाला है, बहुत ही बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला है मसालों की। और यही आइडिया उसका होगा कि स्टोर के साथ में यहाँ पर वो प्रोडक्शन में भी उतरेगा और यही आइडिया अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर देता है। तो यहाँ पर शिवा बहुत ही धमाल करने वाला है और जीत लाएगा वो पैसा जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अपने स्टोर को चलाने के लिए और पांडे स्टोर को आगे बढ़ाने के लिए। तो भाई यहाँ पर जिस तरह से ऋषिता अपने धूस दिखा रही थी अपने स्टोर की, उसी का मुंह तोड़ जवाब शिवा ये कॉम्पिटिशन जीत कर देते नजर आएगा।